जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, एक डायलॉग ने रवि किशन को पूरे विश्व में लोकप्रियता दिलवा दी। लेकिन यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कोई सोचा नहीं था उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर भी तय कर सकते हैं। रवि किशन के पिताजी सभ्य इंसान थे और चाहते थे कि रवि किशन पढ़ाई लिखाई करके एक सभ्य इंसान ही बने। लेकिन रवि किशन का बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना था। सपना को साकार करने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रवि किशन का अभिनय के प्रति ललक उनके गांव से ही दिखना शुरू हो गया। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ कहिए मत कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, करके दिखाइए, क्योंकि आज के वक्त में लोग सुनने में नहीं देखने में विश्वास करते हैं। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा संघर्ष। गांव की नाटक मंडली में श्वेता का किरदार करना शुरू कर दिए। लेकिन रवि किशन के पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि वो ये सब करे। एक दिन गुस्से में आकर उनके पिताजी ने उन्हें बहुत मारा पीटा, जिसके बाद रवि किशन की मां ने 500 रुपया देकर उन्हें मुंबई भाग जाने की सलाह दी। लेकिन हर दिन लाखों लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए। आना जितना आसान होता है, अगर उतना आसान यहाँ पे रुकना और खुद को साबित करना होता तो आज बॉलीवुड में लाखों करोड़ों सेलिब्रिटी भरे पड़े होते हैं। रवि किशन भाग कर मुंबई तो आ गए थे, लेकिन ना इनके पास रहने को घर था ना खाने को खाना। अब इनके पैसे भी खत्म होने लगे थे। रवि ने उस दौरान छोटे मोटे काम भी किए और उन पैसों से वो खाना खाते और जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाते। कई बार काम ना मिलने की वजह से उन्हें भूखा पेट सोना भी पड़ा। काम की तलाश में रवि अक्सर पैदल घूमा करते थे, क्योंकि उस दौरान बस के टिकट भी खरीदने का पैसा नहीं था। एक साल कठिन परिश्रम के बाद रवि को 1991 में आई फिल्म पीताम्बर में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं की दर्शकों के बीच में, लेकिन अब रवि किशन को छोटे मोटे किरदार मिलना शुरू हो गए थे। मूवी और टीवी सीरियल में काम करने के बाद तेरे नाम फिल्म से इन्हें असली पहचान मिली। इसके बाद इन्हें भोजपुरी फिल्म के ऑफर आने लगे। इंडिया के टॉप कंट्रोवर्सी रियलिटी शो में इन्हें जाने का मौका मिला बिग बॉस में, जहां पर इन्होंने इस डायलॉग को बोला था, जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा। इसके बाद रवि किशन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक हिट फिल्म देते गए। बॉलीवुड, भोजपुरी, साउथ इंडस्ट्री, मराठी, गुजराती, तमाम फिल्म इंडस्ट्रियों में इन्होंने काम का मौका मिला और इन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा पूरे विश्व में मनवा लिया। वर्तमान समय में ये गोरखपुर विधानसभा से लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आज भी फिल्म और वेब सीरीज में काम करते हैं और नजर आते हैं। औकात से बड़ा सपना देखना गुनाह नहीं है। गुनाह तो तब है जब आप उसे साबित करके नहीं दिखा पाते हैं। अगर आप लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं तो अपने सपने को पूरा करिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों।